इंदौर में जिला प्रशासन के द्वारा आने वाले 2 से 3 दिनों में राजस्व महाअभियान शुरू होने वाला है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह को इस अभियान के संबंध में निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश मिलने के बाद इंदौर जिला प्रशासन जल्द ही राजस्व अभियान शुरू करने वाला है। ऐसा अनुमान है कि अभियान 2-3 दिन बाद से शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री के निर्देश है कि जितने भी नामांतरण, बंटवारे और सीमांकन के जितने भी मामले हैं, वो इस अभियान के तहत समय सीमा में पूरा करें। इसके लिए सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है और लंबित प्रकरणों को समय अनुसार जल्द से जल्द पूरा करने के कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि इंदौर और आसपास की तहसीलों में कई नामांकन, बंटवारे और सीमांकन के प्रकरण लंबित है, जिसको देखते हुए यह अभियान शुरू किया जा रहा है। इंदौर से राजीव टाइम्स की रिपोर्ट। देखिए, अगले 2-3 दिनों बाद एक राजस्व महाअभियान शुरू हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी नामांतरण, बंटवारे, सीमांकन आदि के प्रकरण हैं, सभी समय सीमा में निराकृत किए जाएं, कोई भी समय सीमा से ऊपर नहीं जाए। इसके अलावा जो अभिलेख दुरुस्ती या नक्शे त्रुटि या नक्शे तरमीम के जितने भी केसेज हैं, उनका भी बहुत तेज़ी से निराकरण सुनिश्चित कराया जाए। इसलिए सभी राजस्व अधिकारियों को ये निर्देश प्रदान किए गए हैं। जैसे ही 2-3 दिन बाद ये अभियान शुरू होगा, हम लोग इस पर तेजी से काम करेंगे।